छोटा बेबी मम्मा का बहुत पालू पालू बेबी है, लेकिन शैतान भी उतनी है भाई साहब, काबू के बाहर की ये लड़की है। तो ये देख लो, काबू नहीं आ रही, कह रही है मुझे छोड़, मेरे को पीटना है किसी को और माँ को ही पीटना है इसे। ये देखो देखो देखो, अरे अरे गुर्रा रही है मुझे, ए बहुत मारूंगी गुर्राई तो। हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही हो। और दिवाली के अगले ही दिन का जो प्लान है वो ये है कि मम्मी पापा और साथ में मैं, हम लोग जा रहे हैं दिल्ली, क्योंकि भाई दूज मनाना है। मैं एक ही दिन में वापस आ जाऊंगा वहाँ से, लेकिन आज हम तीनों लोग वापस जा रहे हैं। ये रहे पापा। हेलो, गुड मॉर्निंग, हैप्पी गोवर्धन पूजा एंड विश्वकर्मा डे। और ये रही मेरी बेबी, मैंने पहले से हाथ मिलाती था। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे आप देख ही रहे हो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। नौटंकी ये हो रही है कि कैंडी खाना नहीं खा रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं भी जा रही हूँ। हाँ, वो बैग पैक हो रहे हैं ना, तो उसको लग रहा है कि और ये अंदर सुसु करके बहुत रोई है कि मुझे कोई पूछ नहीं रहा, मैं सुसु कर रही हूँ। कुछ भी नहीं पूछा आपको, सब पूछ रहे हैं भाई, आपको बाहर ले आए ना हम लोग। और ये रहा बड़ा बेबी, आज पापा इसको घुमाने ले गए हैं। ये एक डॉबरमैन पे इतना भौंकी है, चाहता तो इसको दो मिनट में फाड़ देता वो, लेकिन उसने इसको भाव ही नहीं दिया कि ये दो कौड़ी का कुत्ता, इसको मैं क्या काटूं। गुड मॉर्निंग, आज हम जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली, अरे खुशी तो कुछ ज्यादा ही है, खुशी बर्दाश्त के बाहर है। मैं भी जा रहा हूँ ना साथ में, इसलिए बेटा जा रहा है, पहली बार जा रहा है हमारे साथ। और गोवर्धन पूजा की सबको शुभकामनाएं। और संभावना इसलिए नहीं जा रही है हमारे साथ क्योंकि फिर छोटा बेबी का ध्यान कौन रखेगा, एक को तो रहना ही पड़ेगा। तो जब मैं वापस आऊंगा उसके कुछ दिन के बाद संभावना फिर दिल्ली जाएगी, तब छोटा बेबी को मैं देखूंगा, जब छोटा बेबी बहुत खतरनाक हो चुका होगा। अभी भी हो चुका है, ये सुबह इतना खेली है अविनाश के साथ, मैं आपको क्या बताऊं। ये इसके चेहरे पे मत जाना, ये बहुत तेज है, ये सबको मिला के एक है, सबको मिला के ये सबको ना कुछ आने चबवाएगी। ये तो अभी उठी है ना, तो ऐसे दिखा रही है कि मैं बहुत सीधी हूँ, मुझे कुछ मिला नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो ये करती है ना मम्मी, ये तो अपने आप ही खींच के पी लेती है। ये देखो, एक तरफ मूंछ है, एक तरफ सफा चट है। संभावना चट गई है मूंछ, पप्पी ले लेके नहीं है, दोनों तरफ। अरे दोनों तरफ है, कम ज्यादा नहीं, बिल्कुल बराबर, एक तरफ ज्यादा एक तरफ चमक रहा है। पापा मुझे यहाँ की मूंछें दिख रही है, इधर की मूंछें मुझे इधर की नहीं है ना, है दूर से दिखता है, दूर से दिखता है, है है कम है, कम है, कम है, नहीं नहीं झूठ बोल रहा है, बराबर मूंछे है। आंख पे आईब्रो कितनी बड़ी बड़ी इसकी है, अरे ये धूप में इसका चेहरा अलग दिखता है। की आदमी है, लड़की है, लेकिन इतना भौं है, में बाल खड़े खड़े क्यों है आदमी को कान में। अरे वाह, लेती हूँ, लेकिन पापा लड़का लगती है, महाबली जैसे ही लग रही ना, बाहुबली, बाहुबली, महाबली कौन, मैंने कहा अरे रे रे, बाप बदल दिया, बाप बदल दिया, महाबली सोच के ही बोला था। इतनी मूछ इतने छोटे बच्चे को है, इतनी मूछ कहाँ से आ गई, शेर जैसी। अच्छा आ गया अपनी बॉल लेने, बचा है, छुपा के जाना, सोई हुई है वो। ये लो, व्लॉग में देखा था आपने, बेटा पता मत लगने देना कि बॉल तुम्हारी थी। थैंक यू, थैंक यू बेटा, दिवाली। तो जी, चेरी की चोरी की हुई BALL चली गई वापस, उसको पता भी नहीं चला, बेचारी ढूंढेगी शाम को, वो भी ढूंढेगी वो, उसको ला के दे दो ना, ठीक ऐसी अमेज़न से। कितनी ला के दूं, पूरा घर बॉलों से भरा पड़ा है। देखो, एक तो उनकी बॉल चुराई, उसके बावजूद वो हम चोरों को ये मिठाई दे के गए, मिठाई, अरे चोर फैमिली को मिठाई। वो बॉल वापस लेके आया कि उसकी तरफ से दिवाली गिफ्ट। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? साद। गहरा चुप, चेरी को दिवाली गिफ्ट। चेरी इधर आ, देखो आपकी चोरी की बॉल वापस आई है, अभी चोरी ही रह गई, कम यहाँ बॉल आई है, कम यहाँ। तो साद ने चेरी को दिवाली गिफ्ट दे दिया है, बॉल जो चोरी करके वापस लेके चली गई वो। थैंक यू साद, थैंक यू साद, थैंक यू सो मच। सोचो, बॉल चोरी करके भी ले गई, उसके बाद वो गिफ्ट भी कर दिया बॉल, देखो कैसे बैठी है। थैंक्स नाम की चीज भी नहीं थी पता इसके। और ये उनके हाथ में बॉल देख के ना हैरान हो गए कि ये बॉल तो हमारी थी, वो वहाँ बाहर कैसे आई, मतलब इसको क्या लग रहा है कि इसकी बॉल उससे चुराई है। क्योंकि बच्चे के लिए भी अपनी बॉल देना मतलब कि कितनी बड़ी बात है, सैक्रिफाइस है बहुत बड़े बच्चे का, बहुत बड़ा। वो देते नहीं है यार, बच्चे अपनी अपनी चीज नहीं देते हैं, बॉल कभी नहीं देंगे। और देखो यार, इसके लिए बॉल दे दी उन्होंने, चेरी यू शुड बी थैंकफुल, सच अ डिसेंट चाइल्ड। तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बॉल देके गए उनकी बात कर रहा हूँ। अरे अपनी माँ को काट रही है, काट रही, वो जो किसी से नहीं हारता ना वो अपने जन्म से हारता है, वो हालत हो रही है उसकी, मतलब जो किसी से नहीं हारता अपनी औलाद से हार जाता है, औलाद से हार जाता है, तो वो हार रही है, आज तक किसी से नहीं हारी, औलाद से हार रही है, देखो काट रही है उसको, काट रही है, पूरा मुंह में लिया हुआ तैर उसका। तू है कौन छिटांसी है, माँ को काटेगी अपनी? इसका मुंह अब तक समझ में नहीं आ रहा कैसा निकल रहा है ना, कुत्ते का होगा, बंदर का होगा, खरगोश का होगा। पहले मुंह इसका बड़ा था जब छोटी थी, अब बड़ी हो रही है तो छोटा,
हो रहा है अभी से बैठने लगी माँ के सर पे खेल रही है उसका कान पकड़ रही है ओ, देखना कैंडी एकदम से उठेगी वो गिर जाएगी कैसे उठेगी मैं नहीं हूँ क्या कैंडी को कटवा रही है उससे काट रही है कान पूरा आगे एकदम से गिर जाएगी बेबी ध्यान देना अरे कैंडी का कान कोई किसी की हिम्मत है कैंडी का कान कोई काट दे किसी की हिम्मत अरे बस करो यार बस करो जस्ट सी ये नई साइड मिलेगी बेबी यार ये कैप्चर करो हमारे लिए लाइफ टाइम के लिए ये माय गॉड मैं जा रहा हूँ चेरू ठीक है खुश रहना फिर आऊंगा फिर चलेंगे घूमने बाहर लड़ाई करने बॉल भी ले आएंगे ठीक है कैन डू अपने बच्चे का ध्यान रखना बेटा ठीक है चलो बैठो पापा आगे चलो हैप्पी भाई दूज मेरे पास हैप्पी भाई दूज बोल रहा है अरे कल है ना तो मैं क्या करूँ चलो भाई चलो चलो बाय मम्मी ध्यान से जाओ बर्गर जरूर खा लेना पापा को चाय पीने देना देखो एयरपोर्ट पे देख लेना पापा को चाय पीने देना नहीं आज तो दो है ना चाय वाले मैं भी हूँ ना ठीक है चलो बाय 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 तो जी शाम हो चुकी है और ये छोटा बेबी मैं क्यों बोल रही हूँ कैंडू चेरू कोको तीनों मेरे पास है और छोटा बेबी अकेला उठ चुका है मैं आपको बता दूं क्योंकि मुझे रोने की आवाज आई है छोनी ओ जी बाबा छोटी बेबी अरे मेरी छोटी बेबी छोटा छोटा गुलगट्टा उठ गया मम्मा चाय बना के आ जाए आपके पास ये देखो यार ये कितनी तेज है इतना छोटा बच्चा इतना तेज कैसे हो गया ये देखो देखो जरा देखो अली बाबा आप खेलो मम्मा चाय बना के ला दी मैं चाय बनाने चाय का टाइम हो रहा है क्योंकि अभी अगर अब चाय नहीं पी तो फिर थोड़ा टाइम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि मुझे कोको को भी घुमाना है चेरी को भी घुमाना है दोनों को घुमा के लाना है फिर उनको थोड़ा वॉश वगैरह करना पड़ता है ठीक तरह से तो वो सब काम करने हैं आज ज्यादा तो काम नहीं हो पाएगा लेकिन कल से क्योंकि अविनाश नहीं है मैं काम पे लगूंगी मतलब घर के कामों पे लगूंगी पूरा घर का सफाया कर डालूंगी मैं छोड़ूंगी नहीं एक एक चीज देख लूंगी मैं घर की मामा आपको कोई अवॉइड नहीं कर रहा है मम्मा ने अभी कितना पारी पारी किया है और कोको से भी सब मिलना चाह रहे थे कोको भी घूमी घूमी जाएगा मम्मा के छात पता है आप लोग पूछते रहते हो भाई कोको को ज्यादा आप व्लॉग में नहीं लेते हो कोको को मैं ना डिस्टर्ब नहीं करना चाहती ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देना चाहती इसको रेस्ट देना चाहती हूँ ये ज्यादा वैसे भी इंटरेक्ट करता नहीं है ज्यादा अभी और कम हो गया है तो मैं चाहती हूँ कि उसको ज्यादा परेशान ना करूं इसलिए आप लोगों को जो लगता है ना आप कोको को प्यार नहीं करते अरे भाई व्लॉगिंग जितनी हो रही होती है उतनी हो रही होती है लेकिन उसके अलावा कोको मेरे पास होता है कोई भी बच्चा अवॉइड नहीं होता है तो अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि कोको अवॉइड हो रहा है या ऐसा कुछ आप कोको पे ध्यान नहीं देते ऐसा कभी हो सकता है क्या कोई माँ कभी एक बच्चे को ज्यादा वो नहीं प्रेफरेंस दे सकती लाइफ में बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं लाइक कभी कैंडी को जब मेरी ज्यादा जरूरत थी या कभी चेरी को मेरी ज्यादा जरूरत होती है तो अकॉर्डिंगली मेरे को सब पे ध्यान रखना पड़ता है और मैं आपको बता दूं छोटा बेबी तो है ही है बट उसके अलावा कोको को टाइमली मैं अपने पास लेती हूँ गोदी में बिठाती हूँ कोको मेरी पहली प्रेफरेंस है कोको की एज को देखते हुए उसका ज्यादा ध्यान रखना मुझे बहुत जरूरी है तो आप में से कोई भी ये मत सोचो अरे कोको को अवॉइड करते हो या कैंडी को ज्यादा दिखा रहे हो या चेरी को प्यार करते हो या नहीं करते हो I don't want to talk about these things because ये मेरे बहुत ही पेटी चीजें हैं कि मैं किसको ज्यादा प्यार करती हूँ और कोको को व्लॉग में दिखाया नहीं दिखाया अरे उसको प्यार किया नहीं किया मेरे लिए सब मेरे बच्चे इक्वल हैं अब पहले तीन थे अब चार हैं और वो मेरे लिए इक्वल हैं एक मदर के लिए सारे बच्चे उसके बराबर होते हैं मानते हो कि नहीं कितनी भी मदर्स हैं मेरे साथ सारे बच्चे बराबर होते हैं कि नहीं तो मेरे कैसे अलग हो सकते हैं और मैं कैसे अलग हो सकती हूँ सेम यू अरे पत्ती आ जाओ मेरे छुंटे मुंटे सब लोग आ जाओ मम्मा के पास आ जाओ छोटा बेबी के पास भी बैठे अरे छोटा बेबी सो गया अरे सो गई वो तो फिर मैं चाय पी लेती हूँ और चाय पी के बताती हूँ जरा कैसी है तेरी ठीक ठीक है बहुत बढ़िया नहीं है इसके बाद मैं जा रही हूँ इन बच्चों को घुमाने फिर आके वापस फिर आपसे मिलती हूँ ये देख लो जी क्या खेल हो रहे हैं यहाँ पे ये तो बहुत शैतान है यार बहुत ज्यादा शैतान है देखो किस तरह से काट रही है उसको देखो उसका हाथ काट रही है अल्ले बाबा अल्ले भाई छोटा बेबी मम्मा का बहुत पालू बेबी है लेकिन शैतान भी उतनी है भाई साहब काबू के बाहर की है लड़की है तो ये देख लो काबू नहीं आ रही सो के उठी है तो देखो जरा देखो जरा कह रही है मुझे छोड़ मेरे को पीटना है को और माँ को ही पीटना है इसे ये देखो अरे अरे गुर्रा रही है मुझे ए बहुत मारूंगी गुर्राई तो ये कौन सिखा रहा है तेरे को मेरी पीठ पीछे
कैंडी हटा रही है उसको। ओए केंदू, अरे यार ये देखो जरा, ये देखो छोटा बेबी कैसे खेल रहा है, देखो देखो ये देखो उसकी माँ को कैसे। हाँ हाँ देखो देखो जरा, देखो जरा उसकी हरकतें देखो। अले बाबा अले, अच्छा 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 ऐसे खेलोगे आप? ये आपका छोटा बेबी कैसा है? ये तो गुंडा बेबी बन गया है। कैंडी भी इसको बोल रही है खेल, देखो कैसे उसको भूख लग जाती है। नहीं काट रही है उसको। ये तो पूरी गुंडी हो गई है भाई। चेरी के साथ तो लड़ेगी। चेरी भी ऐसी है। हाँ चेरी भी ऐसी है ना, खेलेगी खूब। तो जी अविनाश तो चला गया और मैं ये सब चीजें देख देख के इतना एंजॉय कर रही हूँ ना घर में, क्योंकि अब मैं ना तो बाहर जा सकती हूँ, तो मुझे यही सब देखना पड़ेगा। यही दीदी और मैं खड़े होके यही सब देख रहे हैं कि हो क्या रहा है घर के अंदर चुटकी का। और जैसे ही अविनाश आएगा, जैसे आप लोग चाह रहे हो कि इसका नामकरण किया जाए, नाम रख दिया जाए, तो जैसे ही अविनाश वापस आता है इमीडिएटली नामकरण हो जाएगा। मिलती हूँ दोस्तों आपको। ये बहुत तेज है यार, बहुत ज्यादा ही तेज है ये। ये देखो देखो जरा, कैंडी भी मार रही है इसको, मैं देख रही हूँ। कैंडी ये बहुत बदमाश है ना, पीट दे इसको। अरे इसकी तो बदमाशी हद से ज्यादा है। कैंडू, अरे यार ये कितना तंग कर रही है उसको। पता है सबसे बड़ी बात ये है कि कैंडी इस चीज को बर्दाश्त कर रही है, वरना कैंडी कभी किसी को बर्दाश्त ना करे, अपने बच्चे को कर रही है। देखो देखो कैसे कान पकड़ लिया उसका। ये कितना तंग कर रही है उसको, क्या सीधी है। देखो काबू में नहीं आ रही, देखो देखो काबू में नहीं आ रही। तो जी मैं आपको दिखा देती हूँ कि दिस इज व्हाट आई एम ईटिंग, खिचड़ी एंड अचार। अब अविनाश तो है नहीं, कोई भी घर पे है नहीं, तो मेरे दिल कर रहा था कि चलो खिचड़ी कल की ना, एक्चुअली दीदी ने भिगो के रखी हुई थी तो अभी बना दी। खिचड़ी खाऊंगी, सो जाऊंगी। आपको मिलती हूँ मैं अब अगले व्लॉग में। इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। आपको मिलूंगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल विच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। अविनाश नहीं है तो ये थोड़ी है कि एनर्जी कम हो जाए, जोश तो उतना ही रहना चाहिए ना। खेलेगा भी, मिलती हूँ।